हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सिंपल बात है कि जो हड्डियाँ है शरीर को आकार प्रदान करती है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेड अप 206 बोन, यानी कि 206 हड्डी मानव कंकाल तंत्र में पाई जाती है। बोन आर स्ट्रोंग, सेमी रिजिड, स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, जो हमारी हड्डियाँ होती है वो हड्डियाँ मजबूत होती है, अर्ध ठोस होती है, यानी कि अर्ध ठोस अंदर से ऐसे खोखली होती है वो, ठीक है, और थोड़ी फ्लेक्सिबल प्रकृति की, यानी कि जो कुछ हड्डियाँ ऐसी होती है वो स्लाइटली बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल प्रकृति की। फ्लेक्सिबल मतलब हल्की फुल्की, मूवेबल रहती है, जो मूवमेंट कर सकती है यानी कि मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल नेचर में रहती हो। बोन आर मेड अप कनेक्टिव टिश्यू, जो सबको पता है जो हड्डियां होती है वो खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें ओशियस टिश्यू कहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है गाइस। तो बोन जो है हमारे शरीर में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। स्केलेटन में 206 हड्डियां होती है। बोन जो होती है स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड और स्लाइटली फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। आगे बढ़ता हूं मैं। फंक्शंस ऑफ बोन, बोन के क्या कार्य, देखो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, बट फंक्शन थोड़ा समझ लो। अटैचमेंट टू द टेंडन एंड मसल, मांसपेशियों टेंडन को जोड़ना, ठीक है, जो बोन होती है वो मांसपेशियों से टेंडन को जोड़ने का काम करती है। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोवाइड मूवमेंट बाय हेल्प ऑफ जॉइंट, जोड़ों के द्वारा शरीर में गति प्रदान करती है। हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम मुड़ पाते हैं, हाथ को मोड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी शरीर में जॉइंट होते हैं। जॉइंट क्या होता है, बोन से ही मिलकर बनते हैं। बॉडी फ्रेमवर्क शरीर की संरचना बनाती है, सबको पता है। प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, अंगों की सुरक्षा करते हैं, जैसे रिब बोन, छाती की जो बोन होती है वो हमारे अंदर के लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है, हृदय को भी प्रोटेक्ट करती है ना। तो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन का काम हड्डियाँ करती है। हीमोपोइसिस, रक्त का निर्माण करना, क्योंकि सबको पता है जो ब्लड सेल होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो बोन मेरो के, रेड बोन मेरो के अंदर बनती है, और रेड बोन मेरो याद रखना हमारी हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है आगे बताऊंगा। मिनरल स्टोरेज कैल्शियम, जैसे कि मिनरल, जैसे कि कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है हमारे किसके अंदर, बोन्स के अंदर, ठीक है। तो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, मिनरल को स्टोर करके रखेगी। स्क्रीनशॉट ले लो बोन्स के फंक्शन का, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बोन, यानी कि हड्डियों के कार्य में इनके पार्ट, ये पार्ट अभी हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस करे, बट ये उसके पार्ट। देखो हड्डियों के दो पार्ट होते हैं, लंबी हड्डियों के दो मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आपका डायफिसिस और एक होता है एपिफाइसिस, ठीक है, डायफाइसिस और एपिफाइसिस। देखो डायफाइसिस और एपिफाइसिस क्या होता है, डायग्राम देखो, जो बीच वाला हिस्सा होता है ना गाइस हड्डी का, ये होता है डायफाइसिस, और ऊपर वाला जो चौड़ा वाइड एंगल होता है ये होता है एपिफाइसिस, ये नीचे वाला भी एपिफाइसिस, बस दोनों के अलग अलग नाम है। जैसे कि ये प्रोक्सिमल मतलब ऊपर, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो डिस्टल एपिफाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो हड्डी होती है, हड्डियों के दो भाग होते हैं, दो, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और बीच वाला, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे वाले को हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। वाइड एंगल होता है चौड़ा, ये थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है दोनों तरफ, और बीच में पतला होता है, बीच वाले को डायफाइसिस, ऊपर और नीचे वाले को एपिफाइसिस, ऊपर वाले को प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, नीचे वाले को डिस्टल एपिफाइसिस। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो डायफाइसिस क्या होता है, समझिएगा, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, बोलना है कि यह प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में रहता है। जो डायफाइसिस, जो बोन का स्ट्रक्चर है, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर, जरा बीच में देखो, ये वाला, ये जो बीच वाली हड्डी है ना, ये इसको बोल रहा हूँ मैं डायफाइसिस। तो डायफाइसिस कहाँ है, डायफाइसिस जो एपिफाइसिस है, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में है, यहाँ पे है ये, ठीक है, इसीलिए से बीच में मिडिल पार्ट बोला है। नेक्स्ट लाइन है,
इन इट्स सेंटर प्रेजेंट मेडुलरी कैविटी विच इज फिल्ड विथ येलो बोन मेरो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है बीच वाला, ये बोला है इसके बीच में एक खोखली मेडुलरी कैविटी उपस्थित रहती है जिसमें येलो बोन मेरो भरा रहता है। देखो ये है मेडुले, ये है डायाफाइसिस बीच वाला। अब बीच में खोखली हड्डी रहती है, इस खोखली हड्डी में कौन सा बोन मेरो पाया जाता है, ये रहा आपका येलो बोन मेरो जो कि फैट सेल को प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो येलो बोन मेरो कहाँ पे उपस्थित रहता है, मेडुलरी कैविटी के अंदर। ये मेडुलरी कैविटी कहाँ पे होती है, मेडुलरी कैविटी सिंपली प्रेजेंट होती है डायाफाइसिस के बीच में, एक खोखला हिस्सा होता है जिसमें मेडुलरी कैविटी, कैविटी मतलब एक खोखली जगह जहाँ पर हमारा ये रेड बोन मेरो उपस्थित होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, स्क्रीन शॉट लो इसका। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। आउटसाइड ऑफ मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट एंडोमेट्रियम, इट हेल्प टू बोन फॉर ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग। समझो मेडुलरी कैविटी के बाहर एंडोस्टियम की परत होती है, एंडोस्टियम की परत होती है जो कि यह परत विकसित करने, हड्डियों को विकसित करने एवं पुनः विकसित करने, देखो विकसित करना एक बार बन गई और पुनः विकसित करना मतलब उसी हड्डी को फिर से रिमॉडलिंग कर देना, ठीक है। ये देखो पेरिस्टोनियम, ठीक है, ये परत है पेरिस्टोनियम, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ये दिख रही है आपको, ये ब्लड, ये पेरिस्टोनियम इसके ऊपर कवर्ड रहती है, यदि अंदर से कोई डैमेज वगैरह होता है तो रिमॉडलिंग करती है और नई हड्डियों को भी यही बनाने में मदद करती है, ठीक है गाइस। तो याद रखना इसका इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, तो फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया डायाफाइसिस, डायाफाइसिस क्या होता है, बीच वाला हिस्सा होता है प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में, ये प्रोक्सिमल और नीचे वाला डिस्टल एंड के बीच में जो जगह होती है उसे डायाफाइसिस कहते हैं। और डायाफाइसिस के अंदर ये बोल रहा है मेडुलरी कैविटी होती है, मेडुलरी कैविटी बीच में खोखली जगह होती है जिसमें येलो बोन मेरो, पीला बोन मेरो, पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है जो कि फैट सेल बनाता है। और आउटसाइड जस्ट इसके बाहर के साइड पे ये परत है जिसे पेरिस्टोनियम लेयर कहते हैं जो कि बोन की मॉडलिंग रिमॉडलिंग करने में मदद करता है और इसकी अगेन जो विकसित जो डेवलपमेंट करवाता है बोन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा पार्ट होता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट देखो जरा, इट इज वाइड सेक्शन ऑफ ईच एंड, बोलना है यह हड्डियों के ऊपरी एवं निचली हिस्सा होता है, निचली चौड़ा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा निचली, ऊपरी हिस्से को मैंने बोला प्रोक्सिमल, नीचे वाले को बोला डिस्टल, ठीक है। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, ठीक है। इसके अंदर होता है गाइस रेड बोन मेरो, ठीक है। तो हड्डियों में लाल बोन मेरो कहाँ पाया जाता है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से में, बीच में क्या होता है येलो बोन मेरो, ठीक है। इट इज फ्रॉम स्पॉन्जी बोन विच इज फिल्ड विथ रेड बोन मेरो। देखो ये बोल रहा है इसके अंदर स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन क्या होती है गाइज, मैंने बहुत बार आपको दिखाया है स्पॉन्जी बोन इस तरीके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है ना खोखली, खोखली इसके अंदर भरा रहता है, जैसे कि शहद के छत्ता आपने देखा होगा, शहद का छत्ता कैसा होता है, इसमें अगर शहद के छत्ते में से मधुमक्खी उड़ जाए तो शहद लेकर चली जाती है, फिर कैसा खोखला दिखाई देता है, इसी प्रकार से हमारी हड्डियाँ एग्जैक्ट होती है और जब वो भरी रहती है तब वो लाल बोन मेरो यानी कि रेड बोन मेरो से भरी हुई रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये स्पॉन्जी हड्डी और इनको स्पॉन्जी हड्डी बोल रहे हैं और ये लाल अस्थि मज्जा में पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो उपस्थित रहता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ले इसका स्क्रीनशॉट फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो फ्लैट बोन का क्या होता है, देखो गाइस सिस्टम फ्लैट बोन में क्या होता है, अभी लॉन्ग बोन बताई मैंने, फ्लैट बोन में क्या होता है दोनों तरफ कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन मतलब ठोस हड्डियाँ जिसके अंदर स्पॉन्जी बोन नहीं होती है, एकदम बिल्कुल ठोस होती है वो, ठीक है इस तरह से, ठीक है। और बीच पे स्पॉन्जी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मेरो होता है, सबको पता है ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। स्कल में भी स्पॉन्जी बोन होती है, वहाँ पे भी रेड बोन मेरो उपस्थित रहता है, ठीक है गाइस। और ये आसपास वाली जो ऊपर वाली लेयर है पेरिस्टोनियम लेयर होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, बीच में स्पंजी बोन होती है, ये फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर है ना,
आगे बढ़ता हूँ मैं, अब कुछ माइक्रोस्कोपी स्टेज देखते हैं। हड्डियों को यदि हम लोग माइक्रोस्कोप में यदि सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते तो कैसी दिखती है। बोन हैज तीन इंपॉर्टेंट सेल, हड्डियों में तीन विशेष प्रकार की को हमें हड्डियों में जब हम जूम करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तीन प्रकार की कोशिकाएं उसमें देखने को मिलती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, ऑस्टियोसाइट कोशिका और ऑस्टियोक्लास्ट। तीनों अलग अलग है, ब्लास्ट और साइट और क्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये तीनों कोशिकाएं क्या करती है, कैसे होती है, मैं आगे बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट कि माइक्रोस्कोप में देखने पर तीन सेल दिखती है हमें। अब देखो पहली जो सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या होती है, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एंड रिपेयर ओल्ड बोन। देखना समझना, यह नई हड्डियां बनाती है एवं पुरानी हड्डियों को पुनः विकसित करती है। देखो जरा डायग्राम, ये रहा आपका ये बोन है, यहाँ पे इसको बनना है तो ये आई ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेल आएगी, इसको रिमॉडलिंग करने में मदद करती है, ठीक है, विकसित करती है ये। और देखो यहाँ पे ये रहा ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल आई, यहाँ पर जमती चली गई ऐसे सिक्वेंशली और हड्डियाँ बनती चली गई, फॉर्मेशन। और अगर इसकी रिमॉडलिंग करने का काम होती है ऑस्टियो क्लास्ट का, देखो मैं आगे बताता हूँ ऑस्टियोक्लास्ट का। तो आपको पहले ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब समझ लो कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है अविकसित कोशिका होती है, ये अविकसित कोशिका है हमारी बोन की फॉर्मेशन करवाती। इट प्रोड्यूस ऑस्टियोइड प्रोटीन विच इज मिनरलाइज एंड कन्वर्ट इनटू बोन। ये है ऑस्टियो देखो एक प्रोटीन बनाती है, ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल है, एक प्रोटीन बनाती है जिसको मैंने बोला ऑस्टियोसाइट, है ना, ऑस्टियोइड प्रोटीन है जो कि मिनरलाइज यानी कि मिनरल से जुड़ जाता है और कैल्शियम वगैरह से जुड़ के फिर बोन बनाने में मदद करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोब्लास्ट का एक मतलब याद रखना कि भैया अविकसित सेल है, बचपन में रहती है, ये विकसित होकर आगे बढ़ जाती है फिर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब आती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट सेल क्या होती है, देखो ऑस्टियोसाइट सेल इट इज मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट पीछे पड़ी है ना उसका मैच्योर यानी विकसित रूप होती है ये सेल, ठीक है। इट मेंटेन बोन टिश्यू, ये हड्डियों में बनने वाले ऊतकों पर नियंत्रण रखती है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट से हमारी ऑस्टियोसाइट बनी, अब ऑस्टियोसाइट से बनेंगे टिश्यू, ओसियस टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो वो जो टिश्यू बनते हैं उनको नियंत्रित रखने का काम कौन करती है, हमारी ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं करती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें एक और पॉइंट देख लो, दिस सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन, ये हड्डियों के मैट्रिक्स में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्टियोसाइट सेल बोन के अंदर कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। तीन स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ। अब आती है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, इट हेल्प टू रिमॉडलिंग ऑफ एबनॉर्मल बोन, बोर्ड नहीं बोन, बोन है ठीक है, इसको ठीक कर देना, ये बोन है, BON, ठीक है, ये बोन है। तो अब देखो समझो मेरी बात को आप लोग, यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है कि जो यह अनियमित हड्डियों को पुनः आकार प्रदान करती है। क्या हुआ कि मेरी कोई बोन बनी और वो एबनॉर्मल हो गई, तो ये क्या करेगी, ये जो सेल है ये पूरी सेल है जाके जुड़ेगी, उसके कैल्शियम आयन को तोड़ेगी, कैल्शियम आयन को तोड़ के उसके आयनों को तोड़ के अंदर एब्जॉर्ब करेगी और उस हड्डी का जो आकार नियंत्रित करेगी। तो मैं बोल रहा हूँ अनियमित हड्डियाँ, यदि कोई हड्डी बड़ी छोटी निकल गई, यदि उसका आकार एबनॉर्मल हो गया, तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है ना ये उसको आकार प्रदान करती है। चीज ध्यान रखना, ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका भी, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर होता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। बहुत शॉर्ट स्टडी मैंने बताई है और बोन फॉर्मेशन के लिए इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।